ठीक है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, एक सेल ले लो, ठीक है बाबू, क्या ले लो, सेल ले लो, ठीक है सर। हाँ सर सेल ले लिए, हाँ बाबू 4 मिनट का ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, सेल हो गया, इसी इतना ही हमको खत्म कर देना है ना। तो सेल का बाबू इधर क्या दिया हो, प्लस दिया हुआ है ना बाबू, तो प्लस टर्मिनल। आई सेल का क्या हो गया बाबू, बैक साइड वाला माइनस टर्मिनल हो गया, ठीक सर। फिर एक दूसरा सेल लिए सर, एक तीसरा सेल लिए सर, इस तरह से बाबू क्या लिए, बहुत सारे सेल लिए, बहुत सारे क्या लिए बाबू, सेल लिए है ना, ठीक है सर। तो इसका बाबू निगेटिव, दूसरे सेल का क्या क्या पॉजिटिव किया बाबू। तो इसको बाबू आप नारायण बाबू देखो आप डाउट पूछ रहे थे, इसको बाबू आप डायरेक्ट सेल को सटा सकते हो, इस सेल को डायरेक्ट इसके बाबू बैक साइड में टच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू है ना, और नहीं डायरेक्ट टच कर पा रहे हो तो ये होता है। बाबू क्या बायर है, तो बायर के थ्रू यहाँ क्या किया गया बाबू, टच किया गया, बायर के थ्रू क्या किया गया, टच किया, ठीक है ना बाबू, टच किया गया है ना, ठीक है। बायर के थ्रू क्या किया गया बाबू, ज्वाइन किया गया, बायर के थ्रू टच करवाया गया, क्या क्या किया गया, ज्वाइन किया गया है ना बाबू। तो एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, अगर इस तरह से कम्बिनेशन तैयार करेंगे, इस तरह से कम्बिनेशन तैयार करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कम्बिनेशन कहेंगे, सीरीज कम्बिनेशन कहेंगे, ठीक ठीक सर। इसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, सीरीज कम्बिनेशन, मान लो एक का वोल्टेज कितना है सर इवन, दूसरे का वोल्टेज बाबू मान लो ई टू है, तीसरे का ई एम एफ बाबू, इसको ई एम एफ कहते हैं ना, ई एम एफ कहते हैं ना, तीसरे का ई एम मान लो ई थ्री है, और इस तरह से बाबू बहुत सारे सेल है, तो एनमा हो गया, तो सारे का ई एम एफ कितना होगा सर, तो इसका इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम आपको कितना तक, एन तक बाबू, तो टोटल जो ई एम एफ होगा क्या होगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस अप टू कहां तक बाबू, ई एन तक, ई एन तक है ना बाबू। एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हाँ बाबू यहाँ मान लो, जैसे मान लो यहाँ बाबू 2 वोल्ट हो गया सर, यहाँ मान लो बाबू 6 वोल्ट का बैटरी हो गया, नहीं हो सकता बाबू, यहाँ मान लो बाबू की 8 वोल्ट का बैटरी हो गया, तो अगर ये तीन को कम्बिनेशन लोगे तो ये इक्विवेलेंट जो इसका तीनों सेल का बराबर बाबू, तीनों सेल के जो टोटल वोल्टेज आएंगे कितना आएंगे, तो 2 प्लस कितना जाएंगे, 6 प्लस 8 आ जाएंगे, कितना बाबू 16 वोल्ट हो जाएगा ना। मतलब क्या सर, मतलब 16 वोल्ट का मतलब क्या, समझते हो बाबू, समझते हो, हम फेस उधर लेके जाएंगे बाबू तो आप ब्लर हो जाएगा, ठीक है ना, मेरा सिर्फ हाथ देखिए, फेस उधर लेके जाएंगे ना तो फोकस करेगा मेरे फेस पर कैमरा है ना, तो ये 16 वोल्ट बहुत होता है ना बाबू। मतलब क्या सर कि इस टर्मिनल पे और 16 वोल्ट का क्या हुआ, मतलब सर इस टर्मिनल से एक वायर निकालोगे और इसके बैक साइड का टर्मिनल से एक वायर निकालोगे, तो यहाँ पे बाबू आपको कितना वोल्ट ऑब्टेंड होंगे, 16 वोल्ट ऑब्टेंड होंगे, एकदम समझने की कोशिश की, यहाँ 16 वोल्ट ऑब्टेंड होंगे आपका है ना, 16 वोल्ट ऑब्टेंड होगा, ठीक है ना आपको बाबू, कल हम आपको वोल्ट मीटर से दिखा देंगे। क्या पाउच हो गया बाबू, वीडियो ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है सर, सौम्या नहीं सर कुछ 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 कुछ, ठीक है बाबू। तो यहाँ बाबू क्या होगा, ठीक हो, यहाँ बाबू क्या होगा, जैसे इस टर्मिनल से एक बाहर निकालो और इस टर्मिनल से एक बाहर निकालो, इसको कनेक्ट करो, वोल्टेज मीटर क्या होता है, सारे को कनेक्ट करवाओ, सारे को कनेक्ट करवाओ, तो यहाँ पे हमको कितना मिलेंगे, 16 वोल्ट मिलेंगे, बताएंगे बताएंगे बाबू आपको, हम ये सब भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट सब करके दिखाएंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। वोल्ट मीटर वो मीटर होता है जो आपको वोल्टेज मेजर करेगा, आप जो आम मीटर होता है वो करंट मेजर करेगा। तो ये क्या था सर, था सीरीज कम्बिनेशन था, क्या था बाबू, सीरीज कम्बिनेशन था है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था सर, सर पैरेलल कम्बिनेशन था ना, पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे बाबू ये कौन सा कम्बिनेशन है सर, इसमें देखो क्या किया गया, इसमें क्या किया गया बाबू, इसमें क्या किया गया शैतान, 0.5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ठीक है सर। इसमें देखो बाबू क्या आपका सेल वाला है बाबू, सेल वाला ये एक सेल हो गया सर है ना, ये दूसरा सेल, तो इसका देखो यहाँ ये क्या है शैतान, पॉजिटिव वाला है ना सर, ये क्या है, इतना अच्छा तो क्लियर दिख रहा है बाबू, अब इससे बढ़िया कौन समझा सकता है सर, बहुत क्लियर है ये बाबू, क्या होगा इसका जहां नोब है शैतान, ये पॉजिटिव हो गया सर, इसका पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव से बाहर लाया सर, इस पॉजिटिव से बाहर लाया सर, यहाँ इस पॉजिटिव से बाहर लाया, यहाँ इस पॉजिटिव से बाहर लाया, सारे वायर को क्या किया बाबू, एक जगह ज्वाइंट कर दिया, सारे वायर को क्या किया, एक जगह ज्वाइंट कर दिया, मैंने सारे पॉजिटिव वायर को बाबू, सारे पॉजिटिव को बाहर लाओ, अब एक जगह क्या कर दो शैतान, ज्वाइंट कर दो, अरे शैतान यहाँ से है ना बाबू, ठीक है ठीक है। देखो कितना करके बाबू, आप लोग मेरा सिलेबस नहीं पढ़ाने देना, ये तो बताई वो किए थे बाबू शायद, लगता है ये सर बताए थे, यहाँ से एक बार ले सर है ना, बाहर बाबू एक बार यहाँ से लो है ना, दूसरा बार यहाँ से लो, अरे इस बार को सारे को जैसे यहाँ से एक बार लाए ना शैतान, लंबा बार यहाँ से लाए सर, फिर यहाँ से लाए बाबू है ना, यहाँ से लाए बाबू कि नहीं, यहाँ से बार लाए, और ये बार को सारे बार के नोब को क्या